न्यू 17 के व्यूअर को जुले, और आज हम करगिल की हिल काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर जाफर से मिलने का मौका मिला क्योंकि वो ले में तशरीफ लाया था। सर बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 के साथ जुड़ने के लिए। तो आप लोगों का जो कॉलिशन गवर्नमेंट चल रहा है करगिल में हिल काउंसिल में, तो अभी तक का कैसा चल रहा है सर? दोनों थैंक यू। हमारे हिल काउंसिल का आप जानते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोलेशन है, अल्लाह की फजल से बहुत अच्छा चल रहा है और हम दोनों पार्टियों में बड़ा एक अच्छा तालमेल के साथ हमारे हिल काउंसिल चल रहा है। तो इसमें दो राय नहीं कि वक्त का बहुत अहम ज़रूरत भी था कि एक स्ट्रॉन्ग हिल काउंसिल बने जिसमें फिर लोगों के एस्पिरेशन के हिसाब से हमें काम करने का मौका मिले। तो आज के डेट में बहुत अच्छा हमारा काउंसिल चल रहा है। सर करगिल जी हिल काउंसिल में जो ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो किस तरह से आप मेंटेन करते हैं, क्योंकि पास में दिखाया गया कि करगिल में बहुत करप्शन रहते, तो उसको रोकने के लिए आपने क्या क्या कदम उठाया आप एज ए सी सी, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड से आप पहले सी मोदी जी? देखिए दोनों, मैं खुद करप्शन जिस लेवल पे हो और जिस तरीके से हो, आई एम टोटली अगेंस्ट करप्शन, एनी फॉर्म ऑफ करप्शन। तो आप लोग शायद बहुत सारे जानते होंगे, मैं इससे पहले मैंने हेल्थ में काम किया है एज ए चीफ मेडिकल ऑफिसर, एज ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, डिप्टी चीफ मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल स्टूडेंट। तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि मेरा काम करने का और करप्शन को लेके कैसा मेरा उस वक़्त भी मैं उसके खिलाफ था, तो आज भी। तो मैं हमारे और ऑनरेबल एलजी का एक सेइंग है कि हमारे लद्दाख, वो कहते हैं लद्दाख को एक करप्शन फ्री और डिले फ्री एडमिनिस्ट्रेशन दे दे, हमारा भी यही सोच है कि हम करगिल को एक करप्शन फ्री और एडमिनिस्ट्रेशन फ्री एक एडमिनिस्ट्रेशन दे दे और ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन दे दे। उसमें हम काम कर रहे हैं और आप लोग को शायद कुछ ग्राउंड पे भी आपको नज़र आ रहे होंगे, पिछले 3-4 महीने में हमने सब अपने जितने भी जो भी एजेंसीज है उनको कह के रखा है, कहीं भी हमें किसी फॉर्म में भी करप्शन नज़र आए तो विल नॉट ओनली एक्ट बट विल एक्ट ऑन, बिल्कुल हम सख्त से सख्त उसमें कोई भी फैसला लेने से भी गुरेज नहीं करेंगे। तो हम बिल्कुल भी करप्शन के एनी फॉर्म ऑफ करप्शन, चाहे आपके ऑफिस में हो, चाहे पॉलिटिकल लेवल पे हो या किसी लेवल पे भी, हम बिल्कुल भी उसके खिलाफ हैं। आप जानते हैं हमें खुशी इस बात का है कि लद्दाख पूरे एज ए होल, खासकर पॉलिटिकल सेटअप में जो भी पॉलिटिकल लीडर्स आए हैं, मैं विशोक से कह सकता हूँ कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो भी पूरे लद्दाख रीजन से, चाहे ले के हो करगिल के हो, 99.99% हमारे आप लोग खुद देखते हैं कि उसमें करप्शन में कोई इन्वॉल्व होता नहीं है, और हमें ना सिर्फ उसको मेंटेन करना है, हमें और उसको अच्छा करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम उस पर काम कर रहे हैं जी। सर जो करगिल में बुद्धिस्ट माइनॉरिटी में है तो उनकी भलाई के लिए आप क्या क्या कदम उठा रहे हैं, क्योंकि जो मोनेस्ट्री का मसला एक रहा कि ज़मीन अलॉटमेंट का, उसी तरह जो शमशानगढ़ का मसला था कि बुद्धिस्ट माइनॉरिटी के लिए भी वो जगह भी नहीं है। दोनों आपने दो इशू उठाया, एक तो मोनेस्ट्री का जो इशू था, मोनेस्ट्री का हमने कुछ वैसे भी लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन जो लेक किए उनका और हमारे पहले हिल काउंसिल उसमें केडीए और एपेक्स बॉडी लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का एक फैसला हुआ था कि हमें वहाँ उस जगह से हट के एक जगह पे हमें जगह दे जाए, तो उन्होंने जगह भी आइडेंटिफाई किया था। तो उसमें ये हो रहा था कि उसमें थोड़ा जगह हमारे गवर्नमेंट का ही स्टेट लैंड है मगर आर्मी का कब्जा किया हुआ था कुछ पार्ट पे, तो हमने वो मसला भी हल कर दिया है कहीं और हमने करके, वो आज के डेट में तकरीबन पूरा वो हमने तैयार कर दिया, उसमें कागजी काम भी तकरीबन कंप्लीट हो गया है, तो उसमें कोई इशू नहीं। एक ये बात, दूसरा आप जानते हैं कि वहाँ पे इकबाल नहीं, जो हमारे ये होटल जोजला रेजिडेंसी उसके अपोजिट साइड में वहाँ पे हमने ये जो क्रेमेशन के लिए क्रेमेशन ग्राउंड
बुद्धिस्ट के लिए जो भी माइनॉरिटीज हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो या बाहर के हो, किसी का नॉन मुस्लिम किसी का डेथ होता है उनको क्रिमेशन जो ये ग्राउंड ये वो बना के दिया है और उसमें हम और इम्प्रूवमेंट करने के काम कर रहे हैं। दो मेन इशू थे, वो दो मेन इशू तकरीबन हल हो चुके हैं और उसके साथ साथ हम माइनॉरिटी को लेके काफ़ी संजीदा है। जो भी माइनॉरिटी के काम, चाहे आपने देखा, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, आप खुद जानते हैं कि आज हमारे पास चार सब डिविजन्स है, द्रास है, हमारे चिकतन है, सांकू है, जांस्कार है। आप खुद देखते हैं उसमें से मेरे हिसाब से मोस्ट डेवलप्ड जो हमारा सब डिविजन है वो आज के डेट में जांस्कार है। और इसी सिलसिले का आप देखिए आज यहाँ हमारा हम इस पे आए हैं, ये रोड कितना चैलेंजिंग, हमारे BRO ने इस चैलेंजिंग रोड को अंजाम दिया है। तो हम ओवरऑल डेवलपमेंट, आप चाहे माइनॉरिटी हो चाहे दूसरे लोग हैं, उन पे काम कर रहे हैं। सर ओवरऑल लद्दाख की बात करें, जो भी लद्दाख का मसला होता है, चाहे एपेक्स का हो, चाहे KTO का, लद्दाख के आम का आवाम जो आवाज हो, जो लोगों का ये शिकायत कि करगिल के आवाम इसको साथ नहीं देते। रिसेंटली एग्जांपल की बात करें तो लेह में डिलीवर ने हड़ताल किया तो करगिल वाले साथ में नहीं दिया। हमें जो सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि हिल काउंसिल ने उनको अलाउ नहीं किया। उसी तरह जो लेह बन रहा उसमें भी उनका शामिल नहीं रहा करगिल वाले का। तो आप इसको किस तरह से, ये बिल्कुल ये तासुर देना गलत है दोनों। जो भी हमारे स्टेट या हमारे यूटी लद्दाख को लेके बड़े मसले हैं उसमें कल भी हम साथ थे, आज भी हम अपने लेह के भाइयों के साथ है और कल भी उनके साथ रहेंगे, जो हमारा पूरे लद्दाख को मसाइल को लेके। अब आपने दो पॉइंट उठाया कि एक तो ये हमारे कैजुअल डेलीवेजर्स के, ये बात गलत है कि हमने ले वालों ने परमिशन दिया, करगिल वालों ने नहीं दिया, ये बिल्कुल गलत है। ले में भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या हिल कौंसिल या जो भी हो, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन नहीं दिया सर, वो लोग गवर्नमेंट के जो ऑफिस कॉम्प्लेक्स में बैठ गया, लेकिन करगिल वाले को कहना है कि बैठने नहीं दिया। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कोई आके बैठा तो कोई उनको आपने देखा कहीं निकालते हुए, ये तो बिल्कुल गलत है। वो हमारे पास आए थे, हमने कहा था देखो, हमने जब जहाँ तक कैजुअल लेबर्स का मसला है, ले के जो हिल कौंसिल है या ले के जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनसे पहले मैंने हमारे लद्दाख के LG साहब से दिल्ली में मीटिंग किया था, उन्हीं को उनके मसाइल को लेके, जब ये सोशल मीडिया में आ रहे थे। उसके साथ हमारे लेबर्स का कुछ मसला था, उनको उठा के हमने पहले एडवांस में ही मीटिंग करके हमने बताया था, और उसके बाद हमारे जो कैजुअल लेबर्स थे उनके नुमाइंदों को मिला के, उसमें मैं भी था, DC साहब भी थे और हमारे SP साहब भी था, हमने वहाँ क्लियर बताया था कि आपके उनका मेन मुद्दा था कि हमारे जो ये मसाइल है, जो हमारी डिमांड है, वो MHA तक पहुँचा दिए। हमने उनको कहा था कि उसमें हमने एडवाइज़र साहब से भी उनके सामने ही बात किया था, तो हमने कहा था कि आपकी जो डिमांड है वो तो MHA जा रहा है, तो और ये हड़ताल पे बैठ के कोई फ़ायदा नहीं है। हमने हाँ एक रिक्वेस्ट किया था, हमने कहा था क्योंकि हमारा रमज़ान भी आने वाला है, हो सकता है ये लंबा खींचे, तो उसमें हमारे लोगों को खासकर जो PHE वगैरह से जो रेलवे कैजुअल लेबर से, आप लोग उस पर ख्याल रखना, उस पर थोड़ा मतलब हमने रिक्वेस्ट किया था। बाकी ये नहीं है, ये तासुर देना बिल्कुल गलत है कि ले में हड़ताल किया तो करगिल में नहीं किया। करगिल में हमने कहीं उनको ज़बरदस्ती तो रोका नहीं, आपने देखा, और बाकी जितना काम वहाँ पे हुआ उससे ज़्यादा काम हमने किया है, मतलब कैजुअल लेबर्स को लेके। ये बिल्कुल गलत है, ये कैजुअल लेबर्स का जो बात कह रहे हैं। तो दूसरा बात आपने क्या कहा था सर, जो ले में बंद हुआ था, हाँ बंद का, हाँ बंद का जहाँ तक आप कह रहे हैं, बंद का देखिए उस वक्त ले में बंद हुआ था, हमने करगिल में भी बंद किया, ले में हड़ताल हुआ था तो हमारे करगिल में भी हमने भी हड़ताल किया, और आज के डेट में तो हमारे आंचुक साहब ये उस पर बैठे हैं, क्या कहते हैं, अनशन पे बैठे हैं, एज ए हम तो उनके साथ हैं, तो अनशन तो आंचुक साहब कर रहे हैं। हमारे करगिल में ये है एक हम उनके डिमांड के साथ है, जो हमारे चार डिमांड है, जैसे स्टेटहुड है या हमारे सिख शेड्यूल का है या हमारे अलग पब्लिक सर्विस कमीशन का है। आप जानते हैं हमारे बच्चे 4 साल से उनको गजटेड पोस्ट के लिए हमारे सब बच्चे बैठे हैं, वरना 4 साल के हमारे कम से कम जो पहले KPS या JK KS वगैरह में, आप जानते हैं हमारे करगिल ले से
दो दो चार चार भी निकलते, आज आज के हमारे आज की डेट में तो 20-30 लोग हमारे केस वगैरह में आ जाते। तो आज हमारे पास स्टाफ की जो हमारे गजटेड पोस्ट है जैसे वीडियो से तहसीलदार है या बाकी लोग हैं उनके डिफिशेंसी नहीं होता। आप कहते हैं आज की डेट में आप देखो एक एक के पास चार चार पाँच पाँच महकमे हैं, तो ऐसा ही नहीं होता। तो हम उनके जो भी डिमांड है ना उनके साथ है और अभी भी साथ दे रहे हैं। मगर ये है कि ये अचूक साहब का अनशन है, अनशन अब वो तो फैसला तो केडीए करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी ने किया है। अभी यहाँ करगिल में आपको पता है कल से रमज़ान भी शुरू हुआ है, तो ये सब देख के फिर हमारे कुछ जो बड़े केडीए के वो जो हमारे लीडर्स थे वो भी बाहर थे, तो ये बात नहीं, ये तासुर देना बिल्कुल गलत है। डॉक्टर साहब आपने बोला कि अनचुक साहब के साथ है, आप लोग का 62 लास्टेड रूट के साथ है, तो आज आप ले में आए क्या अनशन पे बैठे अनचुक साहब वहाँ पर विजिट करेंगे? देखिए दोनों वो एक हम उनके साथ है वो अलग बात है। देखो अब हम एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक हिस्सा है क्योंकि मैं एज ए चेयरमैन सीसी भी काम कर रहा हूँ, एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर भी काम कर रहा हूँ, तो हमें सबको थोड़ा देख के ये करना पड़ता है। तो उसमें ये बात नहीं है कि हम उनके खिलाफ है, मगर ये है हमको उसके हिसाब से भी एडमिनिस्ट्रेशन के अपना डेवलपमेंटल साइड ये सब, फिर हम कौंसल का अपना एक है, बाकी हमारे जो केडीए है वो तो इनके साथ है पूरा। सब तो आखिर में जो एनसी और कांग्रेस का कॉलिशन चल रहा है तो आने वाले लोकसभा में किस तरह से देख रहे हैं? नहीं आने वाले लोकसभा में ये हम देखते हैं कि इंशाल्लाह ये कोलिशन बिल्कुल न सिर्फ जारी रहेगा बल्कि आने वाले इलेक्शन में आप देखेंगे ये और ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि लद्दाख से एक मेंबर पार्लियामेंट ऐसे निकले जो सब लोगों के मसाइल को एक निगाह से देखे, चाहे करगिल का हो चाहे ले का हो, क्योंकि आप जानते हैं ले और करगिल दोनों के बीच में एक ही एमपी होता है। तो हम चाहते हैं कि जो भी एमपी हमारे आ जाए वो एक ब्रॉड माइंडेड हो, वो सबका साथ सबका विकास वाले पे काम करे। जो आप एनसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं तो आपकी उमर साहब ने स्टेटमेंट दिया कि आईएनडी अलायंस में जम्मू सीट हो उधमपुर सीट हो ले सीट हो वो हम कांग्रेस के लिए छोड़ रहे हैं, आप किस पे कहते हैं? नहीं वो तो ये देखिए वो मैं उस पर कुछ तबसरा नहीं करूँगा, ये हमारे पार्टी के हाईकमांड का डिसीजन होगा। पार्टी और हमारे जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के हमारे जो लद्दाख रीजन के जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के या बाकी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स है और हाईकमांड के उनके हिसाब से फैसले से हिसाब से चलना, उसमें उनके जो फैसले होंगे वो पार्टी के बाकी लोगों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जी आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगे? आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि इलेक्शन नज़दीक है, सबको इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, मगर ये हिस्सा लेते वक्त ये भी याद रहना चाहिए हमें भाईचारे पे कोई असर ना पड़े हमारे, क्योंकि एमपी एक ही होता है आपको पता है, तो हमारे ले करगिल से निकलते हैं ले से भी निकलते हैं। तो मेरा ये है कि आप जिसको भी वोट दे सोच समझ के दे दें, अपना फ्यूचर को ख्याल रख के वोट दे दें। मेरा ये है कि सदियों ने ये क्या लम्हों ने ख़ता की है सदियों ने सज़ा पाई है वो वाला नहीं होना चाहिए। आप एक लम्हे के लिए आप गलत करोगे तो आपको सदियों उसका सज़ा भुगतना पड़ेगा। इसलिए मेरे हर वोटर से हर शहरी से हर करगिल और ले के आवाम से अपील है कि आप जिसको भी वोट देना चाहते हैं बहुत बहुत सोच समझ के दे दें जो आपके लद्दाख के हित में काम करने वाला हो। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे करगिल हिल काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर जफर साहब जिन्होंने न्यूज एजेंट को एक्सक्लूसिवली बताया कि किस तरह से जो कॉलिशन बरकरार रहेगा और ले और करगिल के आवाम को अपील भी किया जो एमपी इलेक्शन के उसमें कोई आनबान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो एमपी का इलेक्शन एक सीट होने के कारण रीजनल पे चला जाता है। तो ये उन्होंने एडवाइस किया कि सोच समाज के जिस पार्टी को भी देना है तो वो सोच समाज के दे और करगिल और ले की यूनिटी में कुछ बंधन नहीं आना चाहिए। मैं और मेरे साथी सोनम निंचे न्यूज 18 के लिए।